एग्रीकल्चर रिलेटेड तमाम विभागों पर चर्चा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्किलिंग के ऊपर चर्चा मैंने आग्रह किया है, इसको एक्सटेंड करते हुए स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स को भी आ जाए, जिससे इस किसान और युवा दोनों को हम पहले दिन पर डिस्कस करेंगे। बड़े अच्छे सुझाव कई विधायकों द्वारा आए कि कई ऐसे बजटरी एलोकेशन है जो पिछले 3-4 सालों में उनके अंदर 1 रुपया भी यूटिलाइज नहीं हो पाया, उन हेड्स को हम कन्वर्ट करें। रवि एक विधायक ने तो सुझाव दिया कि एजुकेशन के अंदर जो हमारी आंगनवाड़ी है उसको कहीं ना कहीं मॉडर्न प्ले स्कूल के तौर पर डेवलप किया जाए, जो कि सुझाव जिला परिषद की जब हमने इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक ली थी, एक सरपंच का भी आया था, बिल्कुल ऐसे सुझावों को आने वाले बजट के अंदर सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। और ये तो शुरुआत है, 2 दिन और ये मैराथन बैठकों के बाद मुझे लगता है प्रदेश के प्रत्येक डिपार्टमेंट को हम टच करें। अभी इंडस्ट्रीज और लेबर नहीं था, मैंने आग्रह किया कि कल शाम को या परसों शाम को अगर समय उपलब्ध रहा तो उसके अंदर हम इंडस्ट्री और लेबर को भी डालने का काम करेंगे, जिससे यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इस पूरी बजट डिस्कशन गंभीरता से चर्चा। विपक्ष कह रहा है एक व्यक्ति कह रहा है, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, आप गीता बुक्कल जी से पूछ लीजिए, हमने अपने एजुकेशन में सुधार दिया, शायद 15 मिनट से ज़्यादा का समय उन्हें सुझाव देते हुए मैं ये मानता हूँ कि एक एक विधायक को समय देना और 2 घंटे के अंदर 30-30, 32-32 विधायकों के सुझाव लेना अपने आप सरकार की गंभीरता को दिखाता है। बियॉन्ड पार्टी लाइन जाकर जो सुझाव लिए ये अपने आप में एक ऐसी पहल है जो आगामी बजट के अंदर प्रत्येक मंत्री को उसके डिपार्टमेंट का भविष्य मजबूत कैसे उसके ऊपर एक विजन रखने का काम। दुष्यंत जी, ये एक और बात सामने आई है कि अगर बजट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट की बैठक में मौजूद रहे, मुझे लगता है कंसर्न्ड मिनिस्टर डिपार्टमेंट की बैठक में मौजूद रहना जरूरी है, क्योंकि वो बैठकर सरकार को अपना उस डिपार्टमेंट का विजन देता है। दुष्यंत जी, एक और शंका जो है विधायकों द्वारा ये प्रकट की, खासकर विपक्ष के, कि ये बजट तो छप चुका है, ऐसे में जो सुझाव आएंगे, आपको ये विश्वास दिला देता हूँ बजट के अंदर हमारे विभागों द्वारा जो भी सुझाव जाने उसकी फाइनल मोहर इस 3 दिन की डिस्कशन के बाद लगाई जाएगी, स्वयं चाहे वो लेबर की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, PWD की बात हो, उनके प्रति मैं ये कह सकता हूँ और शायद सारे मंत्री उस चीज़ को ऊपर मोर लगे, बजट की स्पीच छपना तो सिर्फ 15 मिनट का काम है, बजट की एलोकेशन जी प्रॉपर हो उसके ऊपर मंथन करना गंभीर चीज़ है। पहले तो मंत्री अधिकारियों के साथ मंथन करके बजट बना दिया करते थे, ये तो पहली बार है कि एक एक विधायक को भी उसके अंदर सुझाव देने का मौका मिला है, और मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट होगा आप खुद मानेंगे कि उसके अंदर 3 दिन की कंसल्टेशन का एक बड़ा महत्वपूर्ण आपको मिल रहा दिखा। किसान और खेती को लेकर फार्मर्स के ऊपर कई विधायकों के सुझाव आए, एक महिला विधायक का सुझाव आया कि हमें प्रदेश के अंदर महिला जो खेती करती है उसके लिए एडिशनल सपोर्ट देनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जब मैं ICR का मेंबर था, मैंने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो हमारा CIRB बफलो रिसर्च सेंटर हो, उसके अंदर महिलाओं को प्रेरणा देती थी, एडिशनल फंड देती थी, प्रदेश सरकार भी विचार करेगी कि उन सुझावों को हम सेंटर के पॉलिसीज को स्टेट में कैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड तमाम विभागों पर चर्चा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्किलिंग के ऊपर चर्चा मैंने आग्रह किया है, इसको एक्सटेंड करते हुए स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स को भी आ जाए, जिससे
इस किसान और युवा दोनों को हम पहले दिन पर डिस्कस करेंगे। बड़े अच्छे सुझाव कई विधायकों द्वारा आए कि कई ऐसे बजटरी एलोकेशन है जो पिछले 3-4 सालों में उनके अंदर 1 रुपया भी यूटिलाइज नहीं हो पाया, उन हेड्स को हम कन्वर्ट करें। रवि, एक विधायक ने कुछ सुझाव दिया कि एजुकेशन के अंदर जो हमारी आंगनवाड़ी है उसको कहीं ना कहीं मॉडर्न प्ले स्कूल के तौर पर डेवलप किया जाए, जो कि सुझाव जिला परिषद की जब हमने इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक ली थी, एक सरपंच का भी आया था, बिल्कुल ऐसे सुझावों को आने वाले बजट के अंदर सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। और ये तो शुरुआत है, 2 दिन और ये मैराथन बैठकों के बाद मुझे लगता है प्रदेश के प्रत्येक डिपार्टमेंट को हम टच करें। अभी इंडस्ट्रीज और लेबर नहीं था, मैंने आग्रह किया कि कल शाम को या परसों शाम को अगर समय उपलब्ध रहा तो उसके अंदर हम इंडस्ट्री और लेबर को भी डालने का काम करेंगे, जिससे यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बजट डिस्कशन गंभीरता से चर्चा। विपक्ष कह रहा है कि सरकार खाना विपक्ष कह रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहे हैं, कांग्रेस आप गीता बुक्कल जी से पूछ लीजिए, उन्होंने अपने एजुकेशन में सुधार किए और शायद 15 मिनट से ज़्यादा का समय उन्हें सुझाव देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक विधायक को समय देना और 2 घंटे के अंदर 30-32 विधायकों के सुझाव लेना अपने आप सरकार की गंभीरता को दिखाता है। बियॉन्ड पार्टी लाइन जाकर जो सुझाव लिए, ये अपने आप में एक ऐसी पहल है जो आगामी बजट के अंदर प्रत्येक मंत्री को उसके डिपार्टमेंट का भविष्य मजबूत कैसे उसके ऊपर एक विजन रखने का काम। दुष्यंत जी, ये एक और बात सामने आई है कि अगर बजट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट की बैठक में मौजूद रहे, मुझे लगता है कंसर्न मिनिस्टर डिपार्टमेंट की बैठक में मौजूद रहना जरूरी है, क्योंकि वो बैठकर सरकार को अपना उस डिपार्टमेंट का विजन देता। दुष्यंत जी, एक और शंका जो है विधायकों द्वारा ये प्रकट की, खासकर विपक्ष के, कि ये बजट तो छप चुका है, ऐसे में जो सुझाव आएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ, बजट के अंदर हमारे विभागों द्वारा जो भी सुझाव जाने उसकी फाइनल मोहर इस 3 दिन की डिस्कशन के बाद लगाई जाएगी। स्वयं चाहे वो लेबर की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, PWD की बात हो, उनके प्रति मैं ये कह सकता हूँ, और शायद सारे मंत्री उस चीज़ के ऊपर मोहर लगाए, बजट की स्पीच छपना तो सिर्फ 15 मिनट का काम है, बजट की एलोकेशन जी प्रॉपर हो उसके ऊपर मंथन करना गंभीर चीज़ है। पहले तो मंत्री अधिकारियों के साथ मंथन करके बजट बना दिया करते थे, ये तो पहली बार है कि एक एक विधायक को भी उसके अंदर सुझाव देने का मौका मिला है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट होगा, आप खुद मानेंगे कि उसके अंदर 3 दिन की कंसल्टेशन का एक बड़ा महत्वपूर्ण आपको निर्णय दिखेगा। किसान और खेती को लेकर फार्मर्स के ऊपर कई विधायकों के सुझाव आए, एक महिला विधायक का सुझाव आया कि हमें प्रदेश के अंदर महिला जो खेती करती है उसके लिए एडिशनल सपोर्ट देनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जब मैं ICR का मेंबर था, मैंने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो हमारा CIRB बफलो रिसर्च सेंटर हो, उसके अंदर महिलाओं को प्रेरणा देती थी, एडिशनल फंड देती थी। प्रदेश सरकार भी विचार करेगी कि उन सुझावों को हम सेंटर के पॉलिसीज को स्टेट में कैसे